Assalamu alaikum and good morning, grade 4. We are going to start our English lecture, and today we have to go for chapter number 6. हमें आज जिन पेजेस की रीडिंग करनी है वो 28 एंड 29 है. यू पीपल नीड टू ओपन योर टेक्स्ट बुक, योर स्टूडेंट बुक, सो दैट वी कुड स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 28. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द स्टोरी टुडे. हियर वी गो. After the contract was made, Pip was no longer called on to visit Miss Havisham. Contract sign होने के बाद Pip को दोबारा Miss Havisham को विजिट करने के लिए नहीं कहा गया या उसको नहीं बुलवाया गया वहां पर. Despite का मतलब होता है इसके बावजूद, ठीक है. Despite this, he never forgot the things he had seen or heard there. वो उन चीजों को, इसके बावजूद वो उन चीजों को कभी भी नहीं भूला जो उसके साथ वहां पर हुई थी, जो उसने देखी थी या उसने सुनी थी. इसके बावजूद वो उन चीजों को कभी भी नहीं भूला जो उसने वहां सुनी थी या देखी थी. He was determined to become educated and improve his social position. वो पुख्ता इरादा रखता था खुद को इम्प्रूव करने का, और वो उसका ही वॉज हैविंग एन इंटेंशन टू बिकम एन एजुकेटेड पर्सन. पेप को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी ही इस बात की थी, उसको रिग्रेट इस बात का था कि उसके पास एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन ना होने की वजह से उसका सोशल स्टेटस जो है वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है. सो उसने एक पुख्ता इरादा कर लिया कि वो एजुकेटेड बनेगा और अपने सोशल स्टेटस को, अपनी जो मुआशरती पोजीशन होती है, जो हालत होती है, उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा. बिडी बिकेम हिज फर्स्ट टीचर एंड व्हाट विद दैट एंड द फोर्ज पेप हैड हिज हैंड्स फुल, ठीक है. बिडी जो थी वो उसकी सबसे पहली टीचर बन गई थी. शी बिकेम द फर्स्ट ऑफ हिज टीचर. और क्या था उसके पास, पिप के पास क्या था कि सिर्फ वो एक फोर्ज था जहाँ पे वो काम कर रहा था. फोर्ज जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स अ वर्कशॉप, आयरन वर्कशॉप, जहाँ पर लोहे का काम किया जाता है, उसको फोर्ज कहते हैं. वन डे पिप डिसाइडेड दैट ही वुड लाइक टू विजिट मिस हैविशम for old times sake and asked Joe for a half day off. एक दिन उसने इरादा किया कि वो मिस हैविशम को मिलने के लिए जरूर जाएगा, और इस पर्पस के लिए उसने क्या किया कि उसने जो से बोला, क्योंकि वो जो के पास काम करता था, उसकी फोर्ज में काम करता था, तो उसने उससे हाफ डे ऑफ लेने के लिए रिक्वेस्ट की. This created such a scene. अब उसने जैसे ही रिक्वेस्ट की तो वहां पे तो एक सीन क्रिएट हो गया, ठीक है. अब वो सीन क्या था, लेट्स सी. ओलेक एक लड़का था, ओलेक हु वाज आल्सो वर्किंग फॉर जो एंड होम पिप डिसलाइक, जो की जो वर्कशॉप थी उसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन पिप उसको पसंद नहीं करता था. ओलेक वाज अ बॉय हु वाज वर्किंग इन जोज वर्कशॉप, और वो बिल्कुल भी पिप जो है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. पिप भी वहीं पे काम करता था, जो भी जो है ओलेक वो भी वहीं पे काम करता था जो की वर्कशॉप में. जो कौन है, ब्रदर इन लॉ है पिप का, ठीक है. मिसेस जो पिप की सिस्टर है. कीप ऑल द कैरेक्टर्स इन योर माइंड, ठीक है. इंसिस्टेड दैट ही शुड ऑल्सो हैव अ हाफ डे ऑफ. अब सीन क्या क्रिएट हुआ कि एक तरफ तो उसने पिप ने बोला कि ही नीड्स अ हाफ डे ऑफ, और दूसरी तरफ और लाइक जिसको को ऑलरेडी पिप पसंद नहीं करता था, उसने भी बोला कि मुझे भी हाफ डे ऑफ चाहिए. ही मेड सच अ फस दैट पिप्स सिस्टर आल्सो बिकेम इन्वॉल्वड इन द आर्ग्यूमेंट. अब वहां पे इतना फस क्रिएट हुआ, यानी मेस क्रिएट हुआ, कि पिप की जो बहन थी वो भी उनके आर्ग्यूमेंट में शामिल हो गई, वो भी इन्वॉल्व हो गई. The outcome was a fight. अब outcome किसको बोलते हैं, नतीजे को बोलते हैं, result को बोलते हैं. The outcome was a fight. अब नतीजा क्या निकला कि दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई,
फाइट, आपको पता है जो हम जुबान से आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट जो करते हैं उसको हम कोल कहते हैं, उस झगड़े, वो झगड़ा होता है ठीक है, उसको हम कोल कहते हैं। और फाइट जो होती है ना वो हाथापाई होती है, यानी हम हाथों से जो लड़ाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइट। तो अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई बिटवीन ऑलिक एंड जो, ठीक है। आई रिपीट, द आउटकम वॉज अ फाइट बिटवीन ऑलिक एंड जो। अब दोनों के बीच में लड़ाई जो थी, ऑलिक में और जो में लड़ाई शुरू हो गई, ड्यूरिंग विच पिप मैनेज टू स्लिप अवे। अब उसी लड़ाई के दौरान पिप जो था वो बीच में से खिसक गया। स्लिप अवे का मतलब होता है खिसक जाना, वो उसी लड़ाई में से खिसक गया, उसने ऐसा मौका ढूंढा, मैनेज किया और वहां से उस लड़ाई में से खिसक गया। When Pip arrived at the gate of Miss Havisham's residence, residence बोलते हैं रिहायशगाह, रिहायशगाह किसको बोलते हैं, जिस जगह पर हम रह रहे होते हैं, हमारा घर होता है। When Pip arrived at the gate of Miss Havisham's residence, जैसे ही पिप मिस हैविशम की रिहायशगाह पर पहुंचा, he was disappointed, तो वो बहुत मायूस हो गया। When the gate was opened by someone else, जब गेट किसी और ने खोला, ठीक है, कि जब पिप मिस हैविशम की रिहायशगाह पर गया तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो गया जब गेट किसी और ने खोला। He was hoping it would be Estella. उसको उम्मीद थी कि एस्टेला गेट खोलेगी। पिप वॉज टेकन टू मिस हैविशम बट ही वॉज सॉरी ही हैड बॉदर्ड। उसको मिस हैविशम के पास लेके जाया गया, लेकिन उसके साथ कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया गया, यही शो किया गया कि उसने जाके मिस हैविशम को बॉदर किया है, परेशान किया है। एस्टेला वॉज अवे एट स्कूल, एस्टेला स्कूल जा चुकी थी, एंड मिस हैविशम सीम्ड टू एंजॉय हिज डिसअपॉइंटमेंट एट हर एब्सेंस। और उसकी एब्सेंस में मिस हैविशम अपनी डिसअपॉइंटमेंट के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, वो शी वॉज इंजॉइंग इट, वो उससे लुत्फानंदोज हो रही थी अपनी डिसअपॉइंट में। डू यू फील यू हैव लॉस्ट हर, क्या तुम्हें पता है कि तुमने उसको खो दिया है, शी आस्ट लाफिंग, हंस रही थी, कहकहे लगा रही थी और पिप से पूछ रही थी। हैविंग सेड दिस शी सेंट पिप होम विद इंस्ट्रक्शंस टू रिटर्न टू हिज बर्थडे। अब ये कहने के बाद उसने उसको वापस भेज दिया, शी डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हिम एक्चुअली, वो समझती थी कि उसने उसको आके बॉदर किया है, परेशान किया है, सो उसने सिंपल बात उसके साथ की और उसको वापस भेज दिया कि तुम अब मेरी बर्थडे पे आना। पिप फेल्ट सो मिजरेबल ऑन हिज रिटर्न होम। पिप को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी घर वापसी पर, दैट ही हार्डली नोटिस्ड मिस्टर वुप्सल और ऑलिक अप्रोचिंग हिम। वो इतना जो है वो खुद को तकलीफ में महसूस कर रहा था कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि मिस्टर वुप्सल और ऑलिक जो थे वो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंचने की कोशिश करना, कि उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ऑलिक रन होम पेप, सॉरी, क्विक रन होम पिप, योर हाउस हैज बीन ब्रोकन इन टू एंड समवन इज इंजर्ड, क्राइड मिस्टर वुप्सल। वुप्सल मिस्टर वुप्सल जो है वो चीखते हैं और पिप को कहते हैं कि जल्दी घर पहुंचो, तुम्हारा घर टूट चुका है, मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और कोई जो है वहां पर जख्मी है। पिप रैन एज फास्ट एज ही कुड until he met a crowd of people at his house. जितनी तेज भाग सकता है उतनी तेज भागता रहता है जब तक वो अपने घर पहुंच नहीं जाता और उसके घर के बाहर जो हजूम खड़ा होता है उनसे मिल नहीं जाता। He pushed his way and entered the kitchen. लोगों को उसने पुश किया, अपना रास्ता बनाया और किचन में दाखिल हो गया। Then He saw a terrible sight. वहां उसको एक बहुत ही खौफनाक नजारा देखने को मिला। His sister was lying in the middle of the floor and there was blood all around her. उसकी बहन जो है वो किचन के बिल्कुल मिडल में लेटी हुई थी और उसके इर्द गिर्द खून ही खून था। What happened? Pip asked, alarmed. Pip पूछते कि यहाँ क्या हुआ है? We found this next to her, replied
निबर, निबर ने बोला कि हमें ये इसके पास मिला है, जब हम आए थे तो ये इसके पास पड़ा हुआ था। इट वॉज अ लेग आयन द सेम एज द एस्केप्ड कन्वेक्स। वो एक आयन की लेग थी और बिल्कुल ऐसी थी जैसी कन्विक्ट की लेग थी। आपको पता है स्टार्ट में हमने जो कन्विक्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसकी जो एक लेग थी दैट वॉज आयन लेग, तो वो जो है वो उसके पास पड़ी हुई थी, पिप की सिस्टर के पास। हाउ एवर पिप सम हाउ फेल्ट श्योर दैट द कन्विक्ट वॉज नॉट टू ब्लेम फॉर द अटैक ऑन हिज सिस्टर। लेकिन पिप जो है उसे इस चीज की परेशानी नहीं थी और वो श्योर था कि ये अटैक जो है वो कन्विक्ट ने नहीं किया था। ही सस्पेक्टेड ओलेग, उसे ओलेग पे शक था, उसे ये था कि शायद वो जो लड़ाई हुई थी जिसमें उसकी बहन इन्वॉल्व हुई थी, तो ओलेग ने उसको जख्मी कर दिया है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, ओवर द फॉलोइंग वीक्स मैनी वर क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। अब नेक्स्ट वीक्स में पुलिस ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए लोगों से, बट नो वन वॉज चार्ज्ड, लेकिन किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, किसी को भी कैदी नहीं बनाया गया, किसी को भी नहीं पकड़ा गया। पिप्स सिस्टर वॉज टेरिबली इल। पिप की जो सिस्टर थी, उसकी जो बहन थी, वो बहुत शदीद बीमार थी। एंड बिडी मूव्ड इन टू द हाउस। बिडी जो थी उनके घर पर शिफ्ट हो चुकी थी टू लुक आफ्टर हर, उनकी देखभाल करने के लिए। मिसेस जो कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सकती थी मिसेस जो। सी देख भी नहीं सकती थी और हियर वेल, और ना ही अच्छी तरह से सुन सकती थी, यानी इतनी बुरी तरह से वो जख्मी हो चुकी थी कि ना तो वो बोल सकती थी, ना देख सकती थी और ना सही तरीके। एंड हर मेमोरी वॉज ग्रेटली डैमेज्ड। उनकी जो मेमोरी थी, मेमोरी बोलते हैं याददाश्त को, और उनकी जो याददाश्त है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। इट वॉज ओनली बिडी हु कुड अंडरस्टैंड हर एफर्ट्स एट कम्युनिकेशन। अगर वो बात करने की कोशिश करती थी तो सिर्फ एक बिडी ही थी जो उनकी बात को समझ पाती थी। वन डे पिप हर्ड बिडी कॉलिंग आउट। एक दिन उसने पिप ने बिडी को सुना, वो बुला रही थी, क्विक होम क्विक कम एंड सी शी इज ड्रॉइंग ओलेग हैमर। वो उसको बुलाती है पिप को और उससे बोलती है कि जल्दी आओ देखो, उसने पिप का जो हैमर हथौड़ा था वो ड्रॉ किया है, उसकी बहन ने मिसेस जो ने जो है वो ओलेग का हथौड़ा ड्रॉ किया है। पिप वेंट टू हर साइड इमिजिएटली। पिप वेंट टू हर साइड इमिजिएटली। पिप जो है वो फौरी तौर पर वहां जाता है। आई न्यू इट, मैं जानता था इट वॉज हिम, कि ये उसी ने किया है। ही डिड दिस टू हर, ही थॉट, उसने सोचा कि ये उसी ने किया है, ये जो हमला है अटैक जो है वो उसी ने किया है, ओलेग ने किया है। हाउएवर ताहम व्हेन ओलेग वाज मिसेस जो, जब ओलेग को मिसेस जो के सामने लाया गया, शी स्माइल्ड एंड सीम्ड वेरी हैप्पी टू सी हिम। तो वहां पे रिएक्शन जो था वो मिसेस जो का वो बिल्कुल ऑपोजिट था। शी वाज हैप्पी टू सी ओलेग ओवर देयर। ठीक है, वन संडे आफ्टरनून पिप एंड बिडी वेंट फॉर अ वॉक टुगेदर। पिप थॉट इट वॉज अ गुड टाइम टू टेल बिडी हिज सीक्रेट थॉट्स। एक आफ्टरनून जो है, संडे आफ्टरनून में बिडी और पिप वॉक करने के लिए जाते हैं, और पिप ये सोचता है कि ये बड़ा अच्छा टाइम है कि मैं बिडी को अपने सीक्रेट्स जो हैं, थॉट सीक्रेट थॉट्स जो हैं वो उसके साथ शेयर कर सकूँ। ही मेड हर प्रॉमिस टू कीप द सीक्रेट एंड सेड बिडी आई वॉन्ट टू बी अ जेंटलमैन। और उसको अपने थॉट्स बताता है, सीक्रेट थॉट्स बताता है, फिर कहता है कि प्लीज़ इनको अपने तक ही रखना, किसी और को मत बताना। और फाइनली वो उसको बताता है कि आई वॉन्ट टू बी अ जेंटलमैन, कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान, मैं एक जेंटलमैन बनना चाहता हूँ। ओह नो पेप, आई वुडंट इफ आई वॉज यू, क्राइड बेबी। बिडी बिडी कहती है कि उसको अफसोस होता है। शी सेज ओह नो, कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। बट बिडी आई एम डिस्गस्टेड विद माई ट्रेड। कहते हैं कि मैं उकता चुका हूँ अपनी, जो मेरा काम है, जो वो करता है, ट्रेड तजारत को बोलते हैं, कि मैं वो जो काम करता हूँ मैं उससे उकता चुका हूँ, बहुत ही वो मेरे लिए डिस्गस्टिंग है, गंदा है। एंड आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, एडेड पिप, और मैं खुश भी नहीं हूँ। वो मजीद इजाफा करता है अपनी बात में कि मैं उससे खुश भी नहीं हूँ। दैट्स अ पिटी, साइड पिटी, कहती है कि ये तो बहुत ही काबिले रहम बात है। पिटी का मतलब होता है तरस खाने वाली, रहम खाने वाली बात।
That's a pity. ये तो बहुत ही काबिल रहम बात है. Pip told Biddy of his admiration for Estella. अब Pip Biddy को बताता है कि उसके सामने जो है वो Estella की तारीफ करता है. Admire करना होता है किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी की तारीफ करना. तो बिडी जो है वो सॉरी पिप जो है वो बिडी को बिडी के सामने Estella की तारीफ करता है, उसको एडमायर करता है. आई वॉन्ट टू बी ए जेंटलमैन बिकॉज ऑफ हर. और फिर ये ऐड करता है कि मैं उसके लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ सो दैट शी विल एक्सेप्ट मी, ही एक्सप्लेन. और फिर उसने एक्सप्लेन किया कि मैं हो सकता है फिर वो मुझे कबूल कर ले. पिप को बताता है उसकी Estella की तारीफें करता है उसके सामने और उसको मजीद ऐड करता है अपनी बात में कि मैं इसलिए जेंटलमैन बनना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, Estella मुझे एक्सेप्ट कर ले. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. यू पीपल प्लीज सेट डाउन विद योर मदर एंड रीड दीज टू पेजेस थॉरली. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम एंड डू नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग डू लेट मी नो. ठीक है. Have a good day. Take care. Allah.